भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आज रांची में मीडिया से बात करते हुए दावा किया है कि इस बार झारखंड में 14 पर एनडीए गठबंधन की जीत सुनिश्चित होगी। वहीं पूरे देश की बात करें तो भाजपा 370 से अधिक सीटें जीतेंगी, एनडीए 400 पार होगा। उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन में भ्रष्टाचारियों की फौज है, वे एनडीए बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने का कुंठित प्रयास कर रहे हैं। भ्रष्टाचारियों पर प्रधानमंत्री मोदी की ईमानदारी भारी पड़ रही है। झारखंड सरकार और हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों की तिगड़ी है कांग्रेस, झामुमो और राजद। भ्रष्टाचारियों की तिगड़ी क्राइम मास्टर गोगो है, ये जनता को देने नहीं लेने आए हैं, बिना जनता से लिए नहीं जाएंगे। राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस से सबक लिया, यही कारण है कि 10 समन देने के बाद भी ईडी के पास नहीं गए। अगर भ्रष्टाचार नहीं किया है तो जाकर जवाब देना चाहिए, यह जनता की कमाई है, उसे लूटकर परिवार को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जनजातीय समाज के लिए हमेशा वो चिंतित भी रहे हैं और ऐसे ठोस कदम उठाए हैं जिससे कि झारखंड भी आगे बढ़े और जो जनजातीय समाज है उसका सशक्तिकरण। और शुरुआत मैं सकारात्मक बात करके करूंगा और फिर कुछ मुद्दे जरूर उठाएंगे। सबसे पहले तो भारत की जनता ने, झारखंड की जनता ने यह मन बना लिया है कि इस बार पुनः श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और जनता की सेवा जो कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाएंगे। आपको एक बात बताता हूं और आप भी ध्यान देंगे, मीडिया चौथा स्तंभ होता है। इस पूरे चुनाव में चार दौर का चुनाव जो है, चार चरण का चुनाव जो है हो चुका है, कल पांचवें चरण का मतदान है। केवल एनडीए और भारतीय जनता पार्टी है जिसको विश्वास है कि 10 साल का रिपोर्ट कार्ड जो नरेंद्र मोदी जी जनता के समक्ष रख रहे हैं तो पुनः आशीर्वाद हमें मिलेगा। भाजपा की 370 प्लस आएंगी, एनडीए की 400 प्लस आएंगी और झारखंड में सभी सीटें 14 में 14 कोई जीतेगा तो वो एनडीए जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। खड़ी हो गई है जो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को हराने का एक कुंठित प्रयास कर रही है। लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा, इन सभी भ्रष्टाचारियों पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारी भारी पड़ रही है। अगर आप देखें, एक ऐसी ही भ्रष्टाचारियों की तिकड़ी झारखंड में भी है जिसमें जेएमएम, कांग्रेस पार्टी और चारा घोटाले के दोषित लालू प्रसाद यादव की पार्टी भी है। आज इनसे अगर कोई सवाल करता है कि आपकी सीटें कितनी आएंगी, आप भाजपा की बात छोड़िए, अपनी सीटें पहले बताइए, तो इनके मुंह में दही जम जाती है। इनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी सीटें बता दें और ये टक्कर लेंगे उस नेता से जो हिमालय की चोटी की तरह खड़ा है, जिनके सामने ये सारे भ्रष्टाचारी बौने हैं घुटने तक नहीं पहुंचते, जिसकी ईमानदारी गंगा जल की तरह पवित्र है। ये लोग सवाल उठाते हैं, सबसे पहले बात भ्रष्टाचार पे करते हैं। तंज कसे जा रहे थे, अभी बता रहे प्रेस वार्ता में, तो ये बोला जाएगा। बॉलीवुड की बात करते हैं, एक मूवी आई थी जिसमें कहा था क्राइम मास्टर गोगो, तो ये जो तिकड़ी है भ्रष्टाचार की ये भी क्राइम मास्टर गोगो की ही तरह है। आया हूं तो कुछ तो जनता का लेके जाऊंगा, मैं देने नहीं आया हूं, लेने आया हूं। और ये भ्रष्टाचार की जननी भारतीय राजनीति में कौन है? कांग्रेस पार्टी। जेएमएम ने उससे सबक लिया है और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
उन्होंने भ्रष्टाचार किया, 10 समन ईडी के आए, 10 समन। एक मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेके कहता है मैं संविधान की रक्षा करूंगा, पालन करूंगा, क्यों पूर्व मुख्यमंत्री जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन जी थरथर कांपे जब समन आए? अगर कोई भ्रष्टाचार नहीं किया तो जवाब देते। और यह भी सत्य है कि उच्च न्यायालय से बेल नहीं मिली, सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है, 2.5 महीने हो गए जेल में हैं।